हेलो फ्रेंड्स, मिडिल क्लास किचन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं सिंपल वेज थाली की रेसिपी, जो कि 20 से 30 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले हम चना दाल की पूड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। चना दाल की पूड़ी अपने में ही बहुत टेस्टी होती है और इसलिए हमने नॉर्मल पूड़ी की जगह इसे बनाने का चूज़ किया था। तो इसे बनाने के लिए हमने 4 लोगों के हिसाब से चना दाल एक कुकर में लिया है और इसे हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी और लो फ्लेम पर 2 से 3 सीटी तक उबालेंगे। याद रखें कि उबालते वक्त इसमें नमक और हल्दी हमने नहीं डाला है। जब हम चना दाल का छेका लगाएंगे उस टाइम हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। और जब तक हमारा दाल उबलेगा तब तक हम साइड में खीर भी बनाएंगे। तो खीर बनाने के लिए हमने खीर का चावल 2 घंटे पहले पानी में सोख कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चना दाल अच्छे से उबल चुका है और इसे तोड़ने पे कितने अच्छे से टूट जा रहा है। तो अब हम इसे छेका लगाने की तरफ बढ़ते हैं। चना दाल को छेकने के लिए हमने कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच सरसों तेल लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 बड़ी चम्मच जीरा डालेंगे। चना दाल की पूरी में जीरा से स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप जीरा का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करें। और जब तक जीरा पूरी तरह से लाल ना हो जाए तब तक हम इसे तेल में पकने देंगे। और ध्यान रखें, हम इसमें लहसुन प्याज किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। जीरा लाल होने पर हम इसमें 2 से 3 लाल मिर्च ऐसे तोड़ के डाल देंगे। लाल मिर्च और जीरा से चना दाल की पूरी के स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। दाल उबालते वक्त हमने उसमें नमक नहीं डाला था, तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और साथ ही इसमें हम 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे, जो हमने दाल को उबालते वक्त नहीं डाला था। लाल मिर्च पाउडर को ज़्यादा देर तक तेल में नहीं भूंजे, नहीं तो दाल का स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए 10-20 सेकेंड फ्राई करने के बाद हम इसमें दाल को डाल देंगे। पानी सूखने तक आप इसे फुल फ्लेम पर यानी कि हाई फ्लेम पर इसे ऐसे ही भूने जब तक इसका पानी सूख ना जाए। तो साइड में हम अपनी खीर भी बनाते रहेंगे। जो खीर के चावल को हमने 2 घंटे पानी में सोखने के लिए रखा था उसे हम दूध में डाल लेंगे। 150 ग्राम चावल पे हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। दो तीन इलायची को क्रश करके हमने इलायची पाउडर बनाया था और अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे। 150 ग्राम चावल पे हमने 100 ग्राम चीनी लिया है। हमारे घर में लोग चीनी थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने कम चीनी लिया। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकती हैं। दाल को पूरी अच्छे तरीके से सुखा लें, क्योंकि अगर ये चिपचिपा रहेगा तो इसे पूरी में भरने में मुश्किल होगी। अब हमारा दाल सूख गया है तो हम इसे मैश कर लेंगे। मैश करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें एक भी दाना बचना नहीं चाहिए, नहीं तो जब हम इसे पूरी में भरेंगे तो पूरी छानते वक्त फूट जाएगी। तो आप इसे अच्छे से मैश कर लें। तो हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। दाल को उतारने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंपल चिली पनीर की रेसिपी। तो बाज़ार वाली पनीर हमने लिया है जिसका स्मेल और टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम इसे गर्म पानी में रखकर थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे इसका स्मेल और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हमारी खीर भी बनके तैयार हो चुकी है। चीनी डालने के 7 मिनट बाद तक हमने इसे पकाया है। सिंस हमने चावल को पहले से सोखने के लिए रख दिया था, इसलिए हमारी खीर जल्दी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम खीर को भी उतार लेंगे। सिंपल चिली पनीर बनाने के लिए हमने 1 कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और उसमें हमने डाला है 1 बड़ी चम्मच जीरा। जीरा को लाल होने तक भूनें। 1 तेज़पत्ता भी आप ज़रूर डालें। तेज़पत्ता लाल होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। आप देख सकते हैं प्याज को हमने कैसे कट किया है। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस 10 से 20 सेकेंड ही फ्राई करना है।
और हमने 3 बड़े प्याज लिए थे, 2 शिमला मिर्च को हमने ऐसे काट के लिया है और 200 ग्राम पनीर लिया है। तो प्याज को ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना है और उसमें तुरंत ही पनीर डाल लेना है। आप मात्रा का ध्यान रखें। जब तक हमारी चिली पनीर एक तरफ बन रही है, तब तक दूसरी तरफ हम एक बहुत ही स्पेशल आलू की सब्जी बनाएंगे। जिसने भी स्पेशल रेसिपी को टेस्ट किया है उसने हमेशा तारीफ ही की है। तो हमने 2 बड़े चम्मच तेल में 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 छोटी चम्मच पंचफोड़न। इस स्पेशल डिश की सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ये है कि हमने 1/2 छोटी चम्मच धनिया और 1/2 छोटी चम्मच सौंफ को कढ़ाई में फ्राई करके और क्रश करके लिया है। 2 बड़े प्याज, 300 ग्राम आलू और 2 छोटे टमाटर हमने इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने किस तरह से काटा है और प्याज को हम लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। आप याद रखें कि जो हमने साबुत सौंफ और धनिया को क्रश करके डाला था उससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है और वो इस रेसिपी की सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है। जिसने भी खाया है इसकी हमेशा तारीफ ही की है। इवन लोग चिली पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी इसे कहते थे। अब चिली पनीर वाले साइड हम 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे ढककर छोड़ देंगे। इधर आलू में भी हम 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे ढककर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आप इसमें शिमला मिर्च बाद में एंड में डालें, क्योंकि शिमला मिर्च अगर गल जाएगी तो चिली पनीर में इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। और ध्यान रखिए कि आप इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने भी अपने शिमला मिर्च को इसमें डाल लिया है। दूसरी तरफ आलू में भी हम 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। आप अगर आलू की सब्ज़ी बनाते वक्त तेल में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो इसका स्वाद भी निखर के आएगा और इस सब्ज़ी का कलर भी अच्छा आएगा। अब हमने जो 2 छोटे टमाटर को काटा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम अपने मसाले इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो मसालों में हमने 1/2 छोटी चम्मच सब्जी मसाला लिया है और 1 चम्मच हम हल्दी लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आलू की सब्जी में अब हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। पनीर की सब्जी में भी हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आलू की सब्जी में भी अब हम आलू ऐड करेंगे। आलू डालने के बाद हम इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर ढककर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब कुकर को बंद करके हम इसे लो फ्लेम पर 3 सीटी लगाएंगे। जब तक हमारी आलू की सब्जी बन रही है तब तक हम अपने चिली पनीर को भी पानी डालकर फ्राई करेंगे। आप इसमें ज़्यादा पानी न डालें, इस बात का ध्यान रखें। आलू की सब्जी बनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को क्रश करके ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी पनीर की सब्जी में भी उसी तरह कस्तूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला भी डालेंगे।
हमने इसमें एक टमाटर भी ऐड किया था काट के, जो हम वीडियो में दिखाना भूल गए। कस्तूरी मेथी और गरम मसाला डालने के 5 मिनट बाद तक हम आलू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी को ढककर सिझाएंगे। और आप देख सकते हैं कि पनीर की सब्ज़ी भी बन के तैयार है और आलू की सब्ज़ी भी सीझ के तैयार है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम अपनी चना दाल की पूड़ियों को बनाएंगे। तो हमने गेहूं के आटे को वैसे ही लोई बना लिया है और बेल लिया है, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी के लिए करते हैं। और उसमें हम 1 छोटी चम्मच दाल भरेंगे और इसे पूड़ी का आकार देंगे और फिर से हम इसे बेलेंगे। और इसे फ्राई पैन में हमने तेल गर्म होने के लिए रखा था, कुकिंग ऑयल उसमें हमने रखा था। और जब तेल गर्म हो जाएगी तो हम इसमें अपनी पूड़ियों को छान लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। पूड़िया गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसे तेल से निकाल लेंगे। तो हमारी सिंपल वेज थाली बन के तैयार है, बेडमी पूड़ी के साथ खाने वाली आलू की सब्जी, जो कि हमारी स्पेशल रेसिपी थी, चना दाल की पूड़ी। सिंपल और झटपट बन जाने वाली चिली पनीर की सब्जी। पारंपरिक सिंपल वेज थाली हो और उसमें हम कोई स्वीट डिश यानी कि डेजर्ट ऐड न करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने स्वीट डिश में खीर बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पारंपरिक वेज थाली, जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है 20 से 30 मिनट में, और बहुत ही कम्प्लीट होती है अपने आप में, बन के तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसे ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ पहुँचाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम आप तक अपने किचन से ऐसे ही ऑथेंटिक, शॉर्ट और अच्छे रेसिपीज़ पहुंचा सकें।